आईपीएल में मैचों के दौरान मैदान पर खिलाड़ियों को लड़ते भिड़ते आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि टीम के मालिक और कप्तान बहस करने लगे? ऐसा आईपीएल में हो गया है। बुधवार को हैदराबाद और लखनऊ का मैच था। लखनऊ की टीम बुरी तरह हार गई और हैदराबाद की टीम जीत गई। इसके बाद लखनऊ के जो मालिक हैं, लखनऊ टीम के मालिक हैं संजीव गोयनका, इनकी कप्तान केएल राहुल से जमकर बहस हुई। उनके बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि केएल राहुल की कप्तानी से नाराज़ हैं, लखनऊ के प्रदर्शन से नाराज़ हैं और बहुत बुरी तरह डांट लगाते हुए देखा जा सकता है। हालांकि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसके बाद भी जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरह से केएल राहुल से बात कर रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं गुस्से में थे और डांट लगा रहे थे केएल राहुल को। इस दौरान जो लखनऊ के कोच है जस्टिन लैंगर, उनके साथ भी संजीव गोयन का बातचीत करते हुए दिखाई दिए। हालांकि इस बीच केएल राहुल ने भी कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन संजीव गोयन का अपनी बात कहने में व्यस्त थे। वो लगातार अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहे थे और उनके इशारों से ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है वो अच्छा नहीं रहा है और कप्तानी में भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, और इसकी वजह से वो लगातार अपनी बात केएल राहुल को सुना रहे थे। इसका क्लिप आने के बाद, वीडियो आने के बाद सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा भी हो रही है, वीडियो वायरल भी हो रहे हैं, ट्रेंड भी कर रहा है और बहुत सारे लोग केएल राहुल के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं कि इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए लखनऊ टीम के मालिक को, क्योंकि केएल राहुल भारतीय टीम के हीरो हैं, भारतीय टीम के बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। भले लखनऊ की टीम इस मैच को हार गई, लेकिन इस आईपीएल में भी अगर उनका देखें तो प्रदर्शन मिला जुला रहा है, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुल 12 मैच इस आईपीएल में अब तक लखनऊ की टीम ने खेले हैं, जिसमें 6 में जीत मिली है, 6 में हार मिली है, तो बहुत ख़राब प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता। अभी भी छठे नंबर पर टीम है, लेकिन इसके बाद भी जिस तरह से डांट लगाई, एक तरीके से जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं या बाकी वीडियो देखकर जो पता चल रहा है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि जिस तरह उन्होंने डांट लगे वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे संकेत नहीं है, बहुत अच्छा व्यवहार नहीं कहा जाएगा इतने लोगों के बीच, दुनिया देख रही है टीवी पर, और इस बीच अपने कप्तान से, अपनी टीम के कप्तान से इस तरह की बातचीत कहीं ना कहीं विवाद पैदा करने वाली है। बहुत सारे लोग बीसीसीआई से एक्शन लेने की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद केएल राहुल जरूर इस मैच में कुछ अच्छा नहीं कर पाए। उनकी कप्तानी को लेकर भी सवाल उठे, उनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी नहीं रही, मात्र 29 रन बनाए, लेकिन फिर भी इस तरह का व्यवहार कहीं ना कहीं केएल राहुल डिजर्व नहीं करते हैं, और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में लगातार पोस्ट आ रहे हैं। कई टीम के मालिक को देखा गया है कि अगर केकेआर की ही बात करें तो शाहरुख खान लगातार हारने के बाद भी टीम के खिलाड़ियों को मोटिवेट करते नज़र आते हैं।